वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिंस में, जहां आपको मिलती है मेडिसिंस के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप भी थकान से बहुत परेशान रहते हैं, कमज़ोरी आपको लगती है, खून की कमी है आपके शरीर में, या फिर आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया, CBC टेस्ट कराया है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन कम आया है, आपको देखने में प्रॉब्लम लगती है, या आप कहीं भी जाते हैं चक्कर आने लगता है बहुत ही जल्दी, सांस फूलने लगती है, तो आज मैं एक ऐसे सिरप के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि आपको कंप्लीट एनीमिया से दूर करने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, ये एक सिरप है हेप्टोग्लोबिन, ये देख लीजिए, ये हेप्टोग्लोबिन सिरप है। ये खून की कमी को भी दूर करता है और आपके थकान को भी दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। फ्रेंड्स, इस सिरप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज हम जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, क्या इसका मार्केट प्राइस होता है, क्या इसकी डोजेस फॉर्म होती है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कब कब इसको लेना चाहिए और कब इसको नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो आइए शुरू करते वीडियो को। फ्रेंड्स, जब मैं बात कर रही हूँ हेप्टोग्लोबिन सिरप के बारे में, तो ये 300 ml की बॉटल आपको लगभग 232 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। ये बहुत ही जानी मानी सिरप होती है, इसलिए लगभग हर मेडिकल स्टोर पर आपको इजीली मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसके कंटेंट के बारे में बात करें कि इसमें क्या क्या कंटेंट ऐड किए गए हैं, तो इसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है और एथेनॉल भी है। तो इसमें कई जो विटामिन B6 भी है, ये सारी चीज़ें, विटामिन B12 है, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। ये सब कंटेंट मिल करके बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। अगर इसके यूज़ेस के बारे में बात करें कि इसका यूज़ कौन कौन डॉक्टर कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो फ्रेंड्स, अगर कोई सर्जन डॉक्टर है तो वो भी कई बार कमज़ोरी लगने पे या फिर खून की कमी अगर है किसी भी पेशेंट में, उस टाइम इस सिरप को प्रेस्क्राइब करता है। डॉक्टर इसको प्री एंड पोस्ट सर्जरी में भी यूज़ करते हैं। कई पेशेंट का अगर सर्जरी होनी है और उसके अंदर ब्लड की कमी है तो भी इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है या फिर दिया जाता है। कई बार फ्रेंड्स, सर्जरी के बाद में, आफ्टर सर्जरी भी पेशेंट में ब्लड की कमी हो जाती है या सर्जरी करते टाइम काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा हेप्टोग्लोबिन सिरप दिया जाता है। फ्रेंड, डिलीवरी के टाइम में भी कई बार, डिलीवरी होने के बाद में महिलाओं में ब्लड की कमी हो जाती है, उनको बहुत वीकनेस लगने लगती है, चक्कर आने लगता है, तो उस कंडीशन में भी आप हेप्टोग्लोबिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांत की जब सर्जरी करते हैं या निकालना होता है, लगाना होता है, उस टाइम भी ब्लड का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप हेप्टोग्लोबिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं उनको अधिकतर ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि उनको पाइल्स के थ्रू की वजह से काफ़ी ब्लड लॉस होता रहता है, तो जो पाइल्स वाले डॉक्टर होते हैं वो पाइल्स पेशेंट को भी ये हेप्टोग्लोबिन सिरप दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, सुन्नपन लगता है, आपको चक्कर भी आता रहता है, या फिर डॉक्टर ने अगर बोला है कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसको कई लोगों का, कई लड़कियां होती हैं या फिर लेडीज़ होती हैं जिनको पीरियड के टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या फिर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही होती है, तो ब्लड की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा हेप्टोग्लोबिन सिरप प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर आपके फ्रेंड्स पिचके गाल हैं, मोटे आप नहीं हो रहे हैं, भूख नहीं लगती है, या फिर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, आपको शरीर में आपके खाना नहीं लगता है, तो भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सिरप होता है। अगर फ्रेंड्स इसके डोजेस के बारे में बात करें कि इसकी डोज़ क्या लेनी चाहिए, तो जो एडल्ट के लिए डोज़ होती है वो 10 से 15 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, और फिलहाल आपकी बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग डोज़ आपकी कुछ वेरिएशन भी कर सकती है, तो आप डॉक्टर के बिना सलाह के क्या डोज़ लेनी बिल्कुल भी अपने आप यूज़ ना करें, क्योंकि इसके अगर ओवरडोज़ हो जाती है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट में फ्रेंड्स, जैसे कि आपको नौजिया या वोमिटिंग जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको इसके अलावा कोई दूसरे अगर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट कर लें, क्योंकि इस सिरप से अगर आपको किसी भी, जो भी कंटेंट इसमें ऐड किए गए, अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, एलर्जिक कंडीशन कुछ भी देखने को मिल रही है, तो डॉक्टर आपकी इस सिरप को चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी आप मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से या फिर अपने केमिस्ट से कंसल्ट अवश्य कर लें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी आपके हेप्टोग्लोबिन सिरप के बारे में। एक चीज़ मुझे और भी बतानी है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे को दूध पिलाती हैं
या फिर अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, और कोई या किसी भी टाइप का कोई मेडिकल हिस्ट्री है जो कि ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप किसी भी सिरप का या फिर किसी भी मेडिसिन का यूज़ अपने आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको बिना डॉक्टर की सलाह पे अगर कोई भी मेडिसिन लेते हैं या यही सिरप लेते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये सारी जो आपके वीडियोस हैं या जो मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से हैं, आप अपने आप कोई भी मेडिकेशन ना करें। तो अगर हमारा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इसी से नोटिफिकेशन का मिलता रहेगा समय समय पे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।